नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना किचन रेसिपी एंड ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि नवरात्र के दौरान तंबाकू खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। तो नवरात्र शुरू हो चुके हैं और ये चैत्र नवरात्र कहे जाते हैं, जो कि 9 अप्रैल से शुरू है और आज है नवरात्र का पहला दिन, स्थापना का पहला दिन है। तो नवरात्र में काफ़ी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और कुछ चीज़ें ऐसी बनाई गई है जो कि नवरात्र में और व्रत के अलावा आप व्रत में ये सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ नवरात्र में आज हम खास चीज़ जानेंगे कि काफ़ी जो पुरुष हैं और काफ़ी महिलाएं भी हैं वो तंबाकू का सेवन करती है, जैसे पान, गुटखा, छैनी, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू ये सब खाती है। तो नवरात्र के दौरान हमें तंबाकू का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो हमें तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम नवरात्र व्रत करते हैं पर तामसिक प्रवृत्तियों को दूर करने के लिए करते हैं और तंबाकू से हमारे शरीर में नुकसान होता है और तंबाकू से नशा भी होता है। तो नवरात्र के दौरान तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन जिन चीज़ों से हमें नशा होता है उन चीज़ों को नवरात्र के दौरान बिल्कुल भी नहीं सेवन करना चाहिए। अगर हम नवरात्र करते हैं, सच्चे मन से माता की भक्ति करते हैं, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि 9 दिन तंबाकू का सेवन बिल्कुल भी ना करें। जो पुरुष सिगरेट और बीड़ी पीते हैं उनको बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू सब छोड़ देना चाहिए। और आजकल तो महिलाएं भी शुरू हो गई, तो महिलाओं को भी बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा का रूप होता है, 9 दिन नवरात्र की पूजा की जाती है, तो हमें अपने मन से ही इस गंदी आदत को या फिर गलत आदत को छोड़ देना चाहिए। अगर आपने इस नवरात्र में यह नशे की आदत को छोड़ दी तो माता रानी आप पर हमेशा मेहरबान रहेगी। और हमें जो अपनी मन की बुराइयां हैं अपनी बुराइयों को छोड़ना चाहिए और अच्छाई की तरफ जाना चाहिए। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हरे कृष्णा।